नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों घोर संकट छाया हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर काले बादल मंडरा रहे हैं। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आज इस पर मतदान होते ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि इमरान खान का सियासी भविष्य क्या होगा। इस सियासी भूचाल के बीच पाकिस्तान की सियासत में एक नाम बहुत तेजी से उभरा है, जिसने प्रधानमंत्री इमरान खान की नाक में दम कर दिया। ये नाम है मरियम नवाज। इन्होंने न केवल इमरान खान की कुर्सी हिलाकर रख दी, बल्कि आज अगर इमरान खान की सरकार गिरती है तो इसके पीछे भी मरियम नवाज का ही नाम सबसे ऊपर होगा। आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में विपक्ष के उसी उभरते चेहरे मरियम नवाज से रूबरू कराने जा रहे हैं। मरियम नवाज एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि उन्होंने राजनीति में कदम बहुत देर से रखा, लेकिन अब वो बखूबी अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। मरियम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं और पाकिस्तान के विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। मरियम 2012 में राजनीति में आई थी और उनके पिता नवाज शरीफ के चुनावी कैंपेन की बागडोर संभाली। इसके बाद ही 2013 में नवाज शरीफ की पार्टी को जीत मिली थी। इसके बाद पार्टी की यूथ विंग की कमान भी मरियम के हाथों में सौंप दी गई। हालांकि उनके पिता नवाज शरीफ के राजनीति से अलग होने के बाद भी पार्टी का नेतृत्व खुद मरियम ही कर रही है। इमरान खान के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद है। हालांकि इस विपक्ष में मरियम खास तौर पर उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। उनकी भाषण शैली और लगाए गए आरोपों के चलते ही पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से प्रधानमंत्री को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वो इमरान खान को चुनौती भी दे चुकी है कि सदन में सरकार बनाए रखने के लिए 172 का आंकड़ा करके दिखाओ। विपक्षी पार्टी PMLN ने नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान की विदाई की अटकलें भी और तेज हो गई हैं। तो आपको पाकिस्तान की एक उभरती सियासतदान मरियम नवाज से जुड़ी जानकारी देने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।